हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ के लिए एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और फिर इस चैप्टर के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वह तीन वर्ड से बना हुआ है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब तीन होता है, गॉन मतलब साइड होती है और मेट्रॉन मतलब मेजर होता है। तो एक तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री है यह ट्रायंगल के जो तीन साइड्स और एंगल हैं उनके मेजरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग आज इसी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं और यह हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। नेम हम लोगों ने लिख लिया ए बी सी। ठीक है, और अब इस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और इसको हमने लिख दिया थीटा। मतलब कोई भी एंगल है उसको हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए, जो 90 के अपोजिट साइड होती है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, फिलहाल हम लोग यश लिखते रहें। और थीटा के अपोजिट जो साइड है उसको हम लोग साइड अपोजिट टू थीटा कह सकते हैं, या हम लोग फिलहाल इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। और जो अनदर साइड है जो बच गई उसको हम लोग कह देते हैं बेस। ठीक बात है, तो साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका पूरा नाम है साइन, SINE। यह साइन थीटा रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर अपान यहाँ पर हाइपोटेनस, या कह सकते हैं रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। वैसे देखिए, दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको लोग कहते हैं कोसाइन थीटा, जिसको सिंपली हम लोग कॉस कहते हैं, पूरा नेम है कोसाइन। और यह जो रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनस का होता है, मतलब बी बाई एच। और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको लोग कहते हैं टेंजेंट, और साथ में टेन कहते हैं, टेन थीटा या परपेंडिकुलर अपान बेस, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। अब ये जो जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो जो साइन का रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग कहते हैं कोशिक थीटा। ठीक है, यह क्या होता है, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। और सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनस अपान बेस। और कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो हम लोग डिनोट करते हैं, कॉट थीटा ऐसे डिनोट करते हैं, और यह होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यह जो है ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट एक तरीके से कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग यह छः के छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डील करेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ रिलेशंस भी होते हैं, उसको भी हम लोग यह देख लेते हैं। जो साइन थीटा होता है, ठीक है, यह वन अपान कोशिक थीटा हो जाता है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। और वैसे ही जो कॉस थीटा है उसको आप लिख सकते हैं वन अपान सेक थीटा। टेन थीटा है उसको आप लिख सकते हैं वन अपान कॉट थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से आगे अगर हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे तो यह रेसिप्रोकल है इसका, तो वन अपान टेन थीटा। और अगर हम लोग सेक थीटा लिखेंगे तो वन अपान कॉस थीटा, और कोसेक थीटा मेंशन करेंगे तो वन अपान साइन थीटा। और साथ में आप यहाँ पर यह देख रहे हैं कि अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो इतना आ जाएगा। तो यह भी आप देख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और वैसे ही अगर कॉट थीटा डिफाइन करेंगे तो देखिए, यहाँ पे कॉट थीटा हमने डिफाइन किया ना, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो अगर कॉस में इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग कॉट थीटा पा जाएंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये देखिए, जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा, और साथ में इनकी आपस में क्या रिलेशंस हैं वह यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें। अब हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो यहाँ पर हम लोग पहले एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए, यह ट्रायंगल हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया, ए बी और सी, और यह थीटा एंगल हो गया। साइन थीटा कहा गया 3/5 है, इसका मतलब है कि यह रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, है ना। तो यहाँ पे हो गया 3k
और यहाँ पर 5। देखिए यहाँ पे आप k लिख सकते हैं 3 के 5 के, क्योंकि रेशियो है, तो 3 5 ना लिख करके आप 3 के और 5 के लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग 3 5 भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यह जो बी सी है इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए बी सी क्या हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो देखिए ए सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू 5 है, 25 माइनस 9 16। तो इस तरीके से जो बी सी आ जाएगा वो आ जाएगा 4। अब बाकी देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा निकालते हैं। तो देखिए कॉस थीटा क्या होता है, यह साइड आई है कितनी 4, ठीक, हमने यह एरो लगा दिया कि यह आया है, हमने निकाला है। तो अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4/5। अब इसी तरीके से हम लोग टेन थीटा निकालेंगे, क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब 3/4। अब बाकी रेशियोज आप निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा निकालने जाएंगे तो साइन का रेसिप्रोकल होता है 5/3। सेक थीटा निकाल लेंगे हम लोग तो कास का रेसिप्रोकल होता है ना, तो 5/4। और कॉट थीटा निकालेंगे तो टेन का रेसिप्रोकल होता है 4/3। तो ये देख रहे हैं कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको पता है तो बाकी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए कहा गया है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जो कि राइट एंगल है बी पर, और एबी जो है 24 सेंटीमीटर है और बीसी 7 सेंटीमीटर है, और फाइंड करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एसी निकालेंगे, तो एसी निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए ए बी स्क्वायर कितना, 24 का स्क्वायर 576 और बी सी 7 का स्क्वायर 49, तो कितना आ गया 625। तो ए सी इज इक्वल टू 25, इसका मतलब है ए सी हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको निकालना क्या है, साइन ए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर यह होगा तो 7, और हाइपोटेनस क्या होगा लॉन्गेस्ट साइड 25। तो लोग साइन ए की वैल्यू निकाल पाए 7/25। देखिए कॉस ए, अब देखिए कॉस ए इस एंगल के लिए बेस होगा 24 और हाइपोटेनस तो 25 है ना, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई 24/25। सेकेंड पार्ट देखिए साइन सी, तो हम लोग इस एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर 24 होगा और हाइपोटेनस 25, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो साइन सी निकाल लिया। कॉस सी, तो कॉस सी क्या होगा, इस एंगल के लिए देखिए बेस 7 होगा और हाइपोटेनस तो खैर 25 है, तो कॉस सी की वैल्यू हो गई 7/25। तो देखिए आज हम लोगों ने यह सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइंड है और उनके आपस में कैसे रिलेशंस हैं, साथ में कुछ एग्जांपल देखे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते